मथुरा में रहोगे तो राधे राधे कहोगे। हिंदुस्तान के अंदर गली गली में मंदिर है, गली गली में मस्जिद है, तो उनमें तो लोग जान ही रहे। हम सब किसकी औलाद है, एक ही तो माँ बाप होंगे हमारे सबके। तो आपके हिसाब से मतलब मोदी योगी हैं वो सही काम कर रहे हैं? मेरे हिसाब से तो नहीं, सबके हिसाब से अच्छा कर रहे हैं वो। दोबारा से आने चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ सरकार रहे 40 साल। 40 साल और बुलडोजर जो चल रहा है वो? बुलडोजर की बात ऐसी है, जो माफिया है उन पे चल रहा है ना। हमारा घर तो नहीं तोड़ा। अच्छा, आप भी जय श्री राम बोलते हैं? बोलने में क्या दिक्कत है? भारत माता की जय भी बोलो। भारत माता की जय बोलने में मुझे कोई आपत्ति थोड़ी है। मेरा भारत है तो मैं तो जय भी बोलूंगा। कोई ऐसा नेता है जो मोदी को टक्कर दे सके? मोदी जी को टक्कर तो मैं ही दूंगा बस। और योगी जी को? योगी जी तो मेरे भैया है। मैं लाल गमछा जब बांध के निकलता हूँ ना अपने मोहल्ले में, तो रोज कहते हैं हमारे ही बिरादर के लोग कहते हैं मुसलमान ही ज्यादा कहते हैं, योगी जी बन गए। मैंने कहा योगी हमारा भैया है, क्या करोगे बोल। अगर मोदी से मुलाकात हो तो क्या कहेंगे आप? पीएम हाउस जा सकता हूँ मैं, क्या दिक्कत है? नहीं मिलेंगे तो क्या कहेंगे उनको? मैं उनका आदर करता हूँ, मेरे देश के नेता है, मेरे राजा है वो। भाई हमारे राजा है, हमारे देश के राजा है, क्या नहीं कर रहे वो, सबके लिए कर रहे हैं। साल सरकार रहे मोदी की, मेरा मन की बात है ये। क्यों, ऐसा क्या कर दिया मोदी योगी ने? देखो मैं कांग्रेस में ड्राइवर था, मैं कांग्रेस मीडिया एडवाइजर रवि नेगी साहब के साथ ड्राइवर था उनकी गाड़ी पे। अच्छा, दुनिया पक्की हो गई लेकिन मैं पक्का नहीं हुआ वहाँ। तो क्या था कि मेरा नाम बन्ने खान था, इसलिए मुझे नहीं पक्का करा। मेरे बाद में निरे आए, काफी लोग आए हमारे हिंदू भाई, उन सबको परमानेंट कर दिया। मुझे क्यों नहीं करा भाई? अच्छा, वो टीस है, है? वो टीस है। और ये मोदी और योगी ने क्या किया है? मोदी योगी देखो, जो लोग माफिया थे ना, जो भूमि माफिया, उनसे सबसे जमीन छोड़वाई जा रही है। हमारी भी जमीन है गांव में, हमें भी मिलेगी अब। अच्छा, सरकार से हमने मतलब उम्मीद है कि मोदी योगी अच्छा काम कर रहे हैं। जब तक वो है तो मिल जाएगी। हाँ, अगर उनकी सरकार चलेगी तो फिर नहीं मिलेगी। अच्छा, ये कुछ लोग तो कहते हैं कि जब से मोदी योगी आए तब से हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। ये तो गलत बात है, ये तो बेकार की बात है। वो रोड बनाया तो उस पर क्या खाली हिंदू चलेंगे? हाँ, हम नहीं चल रहे। हाँ, या मान लो राशन मिल रहा है तो क्या हमें नहीं मिला? हाँ, लेकिन मुझे एक शिकायत है कि मेरी राशन कार्ड मेरा कैंसिल हो गया है। अच्छा, अब तो योगी एक्शन ले रहे हैं राशन कार्ड वालों पे। हाँ, तो आगे लगा लो, आगे गेट पे। अब जो है ना देखो क्या होता है। हाँ, मतलब कुल मिला के मोदी योगी के काम से खुश है? मैं तो खुश हूँ जी, मुझे दुनिया से मतलब नहीं है, मुझे अपने आप से मतलब है। अच्छा, मुझे दुनिया से मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ अपने से मतलब है जी। मैं तो बहुत खुश हूँ। तो जैसा कि अभी राम मंदिर बन रहा है उसको लेकर के क्या कहेंगे? अच्छी बात है, वो बन रहा है तो। हाँ, वो हमारे लिए तो बन रहा है। हम मथुरा में नहीं रहते, हम हम मथुरा जिले के नहीं है। अच्छा, तो वहाँ भी तो हम जाते हैं कृष्ण जन्मभूमि में, सारे हमें लोग भैया के बुलाते हैं, भैया आगे भैया आगे। ब्रज की बात ही अलग है। मथुरा में रहोगे तो राधे राधे कहोगे। तो जैसे कि अभी जन्मभूमि पे भी कह रहे हैं कि उसमें रिपोर्ट का ASI का आ गया है, तो क्या होना चाहिए वास्तविक में? वो तो जो है ना एक अलग वो है रीजन उनका। हाँ, भाई जो चीज अब हमारे सामने तो हुआ नहीं है। हाँ, हमें क्या पता कब हुआ था उनका। हाँ, ऐसा जैसे कुछ लोग कहते हैं कि अयोध्या का तो सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया, तो वो भी कोर्ट ही करेगा। हाँ, कोई काशी और मथुरा है वो सब जो है ना। देखो हमारे हिंदुस्तान के अंदर गली गली में मंदिर है। हाँ, गली गली में मस्जिद है। हाँ, तो उनमें तो लोग जा नहीं रहे। हाँ, सही से। हाँ, अब बाकी जो सरकार करेगी तो हो गई होगा। हाँ, उसे कौन रोक सकता है? वहाँ जाने के लिए लड़ते भी हैं। लड़ते रहो। हाँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सब एक ही तो है। हाँ, हम सब किसकी औलाद है? हाँ, एक ही तो माँ बाप होंगे हमारे सबके, उन्हीं से हम सब पैदा है। कोई अलग अलग पैदा हुए हो तो बता दो। हाँ, सबको एक ही जगह से आना और एक ही जगह चला जाना है। ये बात तो है, जिस दिन अल्लाह बुलाएगा ना, अरे मेरे बंदो उठ के आओ, सब ऐसे जाएंगे जैसे हम अभी अभी सोते अभी भाग रहे हैं। हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि पूर्वज तो वही सनातन धर्म से ही आते हैं। अब एक बात बताइए कि जितने भी दुनिया में लोग हैं वो हैं कौन? अल्लाह के 99 नाम है। हाँ, अरे हम इंसान ही तो अल्लाह और भगवान कह देते हैं। हाँ, बाकी परमात्मा एक ही है। फिर 99 नाम है उनके। हाँ,
कोई कैसे पकड़ता है कोई कैसे पकड़ता है, लेकिन सब अपने ही हैं। हाँ। उन सब का एक है, ये सब कहने वाली बातें हैं, लोग भड़काते हैं, बुरा करते हैं, बुरा कहते हैं, गलत बात है, गलत बात है। मेरे जितने हिंदू दोस्त हैं शायद कोई किसी के होंगे भी नहीं इतने। अच्छा। यहाँ से लेकर गांव तक, गांव से लेकर यहाँ तक, मेरे सादाबाद में, मेरे गाँव में, मेरे अलीगढ़ में, मथुरा में, मेरे दाऊजी में, वृंदावन में, कहाँ नहीं है। तो आपके हिसाब से मतलब मोदी योगी है वो सही काम कर रहे हैं? मेरे हिसाब से तो नहीं, सबके हिसाब से अच्छा कर रहे हैं वो। हाँ, दोबारा से आने चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ सरकार रहे 40 साल, 40 साल लगातार वो ही उन्हीं का रहे। हाँ। तब कुछ विकास होगा देश का, बेड़ा पार हो जाएगा। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि मोदी जब से आया है तब से देश को बेचने में लगा हुआ है। तो कहने दो, उनके कहने से क्या होता है। उनके कहने से कुछ नहीं होगा। और योगी है वो बड़े भड़काऊ बयान देते हैं। हमने तो नहीं सुना भड़काऊ बयान उनका। उन्होंने तो नहीं कहा मुसलमानों को काट दो। हाँ। उन्होंने तो नहीं कहा मुसलमानों को भगा दो हिंदुस्तान से। हाँ। कुछ लोग अगर ऐसी बातें करते तो उनके करने से कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। और बुलडोजर जो चल रहा है वो, बिल्डोजर की बात ऐसी है जो माफिया है उन पे चल रहा है ना। हाँ। हमारा घर तो नहीं तोड़ा। अच्छा भाई, हम माफिया नहीं है, हम क्राइम हाँ। नहीं करते, हमारा घर तो नहीं तोड़ा। हाँ। हमारा घर भी तो है, हमारा घर को तोड़ते हम कहते भी बाकी में गलत है। कुछ लोग कह रहे हैं कि मोदी योगी और रहे तो नमाज भी अदा करने के लिए बंद करा देंगे, इस तरह के बयान दे रहे हैं। अब एक बात बताइए, ये मंदिर बना हुआ है। हाँ। ये मस्जिद बनी हुई है। हाँ। तो उसके अंदर पढ़ो ना। हाँ। रोड पे पढ़ने से क्या फायदा। हाँ। अंदर पढ़ो अपने आराम से, कोई मन कुछ लोग लोगों को भड़का रहे हैं। अरे वो उन्हीं के लोग होते हैं। अच्छा। वो सब उन्हीं के लोग होते हैं, वो अपने अपनी चित्त। हाँ। अपनी पट रखते हैं और दूसरों को भड़काते हैं। हमारे बुजुर्ग, ये तो हिंदुस्तान है ना हमारा, सूफी संत पीर फकीरों का देश है। यहाँ कितनी भी आफतें आई, कितनी भी बलाएं आई, कितना भी संकट आया, सब उन्होंने पूरा सब चुमंदर कर दिया, सब रोक लिया, सब खत्म कर देते हैं और सबको अच्छा रखते हैं। हाँ। अरे जब हमारे घर के बराबर में हमारे हिंदू हैं, पंडित हैं, ठाकुर हैं, यादव हैं। हाँ। वाल्मीकियों के भी घर हैं हमारी गली, 2-3 गली छोड़ के, तो हम। हाँ। से राम राम श्याम श्याम नहीं करते क्या? अच्छा। हमारे छोटे छोटे बच्चे हम उनको लेके नहीं जाते क्या? आप भी जय श्री राम बोलते हैं, बोलने में क्या दिक्कत है? हाँ। जब हम, तुम हमारे घर के पास रहते हो, तुम्हारे पिताजी बैठे हुए हैं, तो हम उनसे ताऊ बाबा कुछ तो कहेंगे। बिल्कुल। तो राम राम श्याम श्याम नहीं करेंगे क्या उनको? हाँ। तो फिर हमारे जब बच्चे होंगे तो उनको वो देखते नहीं है क्या? हाँ। तो कोई साइकिल वाला ना मर जाए, कोई गाड़ी वाला ना मर जाए, जी वो फलाने का बच्चा जा रहा है, बन्ने खान का जा रहा है। हाँ। इसको ध्यान रखियो जरा, देखियो बेटा, और कोई बात होती है तो वो लेके नहीं भागते क्या? तो फिर हमारे तो सब दुख में साथ देते हैं, सब देते हैं। तो कभी ऐसा नहीं लगता हमें, नहीं लगता जी, हमें नहीं लगता, बाकी लोगों को लगता हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं। अच्छा। कोई टेंशन भी नहीं है हमें। तो कुछ लोग कहते हैं कि मुसलमान है वो बंदे भारत, बंदे मातरम नहीं बोलता। देखो जी, मेरा भारत है, मेरा देश है, मेरे पूर्वज भी इसी मिट्टी में, और मैं भी इसी मिट्टी में जाऊंगा, मर के भी जाऊंगा, जिंदा भी जाऊंगा, अगर कोई मुझे मार देगा तब भी इसी मिट्टी में, मुझे यहाँ से कहीं अमरीका तो फेंक के आएंगे नहीं, बिल्कुल, या सऊदी तो फेंक के आएंगे नहीं। हाँ। मरे हुए को, क्योंकि सऊदी फेंक गया, दुबई फेंक गया, तो मैं तो यहीं रहूंगा, रहना हिंदुस्तान में ही है। मेरा देश है, मैं अपने देश के लिए कुछ भी कर गुजरूंगा, भारत वक्त आएगा तो। भारत माता की जय भी बोलूं, भारत माता की जय बोलने में मुझे कोई आपत्ति थोड़ी है, मेरा। हाँ। भारत है तो मैं तो जय भी बोलूंगा, भारत को सलाम भी करूंगा, अपने नेताओं को भी सलाम करूंगा जो मेरे लिए अच्छा कर रहे हैं, मेरे देश के लिए अच्छा कर रहे हैं। कांग्रेस ने भी करा, बीजेपी ने भी करा, सब ने करा, सब अपने अपने वक्त पे अपना अपना काम कर रहे हैं। राहुल गांधी प्रधानमंत्री का सपना देख रहे हैं, तो क्या लग रहा है होगा? राहुल गांधी बन जाएंगे तो क्या दिक्कत है? हाँ। हमें क्या दिक्कत है? हाँ। अच्छा करेंगे तो आगे चलेंगे, तो नहीं क्या करेंगे? मोदी को टक्कर दे पाएंगे राहुल गांधी? मोदी को टक्कर तो कोई ना दे रहा भैया, कोई ऐसा नेता है जो मोदी को टक्कर दे सके? मोदी जी को टक्कर तो मैं ही दूंगा बस। और योगी जी को? योगी जी तो मेरे भैया है, मैं लाल गमछा जब बांध के निकलता हूँ ना अपने मोहल्ले में, तो रोज कहते हैं हमारे ही बिरादर के लोग, कहते हैं मुसलमान ही ज्यादा कहते हैं, ये योगी जी बन गए। मैंने कहा योगी हमारा भैया है, तुम क्या करोगे? बोलो योगी जी आगे, योगी जी आगे, हमारा भैया है, बोलो क्या करोगे? वो तो कहते हैं, मैं पीलिया झाड़ता हूँ लोगों का,
मेरे पास लोग आते हैं सभी धर्म के लोग आते हैं, मैं तो भेदभाव नहीं रखता, मैं फकीर आदमी हूँ बिल्कुल, है ना, मैंने तो फकीरी ली है। मेरे पीर है हजरत मोहम्मद सबात हसन साहब लखनऊ, बड़े दादा बुजुर्ग के पोते हैं, मैं तो उनकी छत्र छाया में रहता हूँ और उनकी वजह से सब लोगों के लिए मैं एक हूँ बिल्कुल। मैं किसी को ये नहीं सोचता कि ये मेरा नहीं है, वो सब मेरे हैं, कोई कैसे मानना है कोई कैसे मानना है। कुछ लोग आपस में हिंदू मुसलमान अरे वो लड़ाने के चक्कर में कुछ नहीं, तो हम तो नहीं लड़ते। लोग हमसे कहते हैं तुम टाड़ी लगा के रखी हुई है, तुमने टोपी लगा के रखी हुई है, तुम जाने कहाँ कहाँ चले जाते हो गाड़ियाँ ले लेके, यूपी में हरियाणा में पंजाब में राजस्थान में, हम बिलेरो लेके अपनी कहीं कहीं चले जाते हैं, लेकिन हम कहते हैं भाई हमें तो कोई कुछ नहीं कहता, सब दूर से आदर करते हैं, बाबा जी नमस्ते, बाबा जी राम राम, तो हमें क्या दिक्कत है। कभी आपको लगा हिंदुस्तान में रह करके भेदभाव वाली बात? मुझे तो कभी किसी ने नहीं करा। हाँ। मुझे तो हर जगह सम्मान मिलता है, मेरे पीर का करम है। हाँ। हर जगह सब खान साहब, सब खान साहब ही बोलते हैं, बाबा 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 बोलते हैं सब, बड़ा प्यार है मुझे तो लोगों से, मैं उससे तो बड़े खुश। मतलब आपको भी बाबा ही कहते हैं? हाँ, ऐसे योगी को भी बाबा कहते हैं? मुझे लोग बाबा कहते हैं, लाल बहादुर अभी तुम्हारे सामने ही बोल रहे थे कि बाबा तुम ले जाओ, कहा था नहीं कहा था बिल्कुल, चाहे किसी ने करी आप को, और ये देख लो ना, ये सम्मान वाली बात है। और बिठा कौन रहा है मेरी गाड़ी? बाबा तुम ले जाओ, तुम्हारी गाड़ी में चले जाएंगे, क्योंकि ये आपका और मेरा मिलना सहयोग था, सहयोग था कि आप और हम मिलेंगे तो चार बातें होंगी, आप भी खुश हो जाएंगे, मैं भी खुश, मैं तो खुश रहते ही हूँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे जो आपस में जो भड़काने? मैं तो ये कहता हूँ कि आपस में विरोध करना किसी पार्टी के खिलाफ या किसी के साथ खिलाफ या किसी को बुरा कहना अच्छी बात नहीं है। हाँ। सब मिलजुल के रहो, मेरा देश है सबका देश है, सबका देश और सभी समाज के लोगों का देश है। हाँ। अपने प्यार सब, करना चाहिए देश, सब एक दूसरे से प्यार करो, एक दूसरे का सम्मान करो। हमारे गांव में राम बारात निकलती है। हाँ। रामलीला होती है। हाँ। रावण का मेला जलता है, हमारे मुहर्रम होते हैं। हाँ। ईद होती है, बकरीद होती है। हाँ। तो क्या हमारे हिंदू भाई हमारे दोस्त आते नहीं है? सब आते हैं, कुछ लोग राम बारात और ये इन जुलूसों में पत्थरबाजी कर देते हैं, उनको क्या कहेंगे? वो सब उन्हीं के लोग होते हैं। अच्छा, वो सब उन्हीं के लोग होते हैं। हाँ। जो करवाते हैं ना उन्हीं के लोग, जो नफरत फैलाने का काम करते हैं, लोगों को भगदड़ मचवानी। हाँ। हमारी बहन बेटियों को चोटें लगनी। हाँ। बच्चों को चोटें लगनी जब। हाँ। भगदड़ होगी ऐसे मेलों में। हाँ। तो क्या हुआ, बच्चों को चोटें लगेंगी। हाँ। बहन बेटियां गिरेंगी उनको चोटें लगेंगी। हाँ। जवान बच्चे भाग जाएंगे हमारे बूढ़े बूढ़ों को चोटें लगेंगी, तो वो भी तो हमारे ही हैं, सब सब हैं। तो मोहब्बत करनी सीखनी चाहिए सबको, मोहब्बत, नफरत को भुला देना। नफरत तो है ही नहीं, नफरत तो हमारे देश में है ही नहीं, चंद लोगों की वजह से नफरत थोड़ी होती है, चंद लोगों की वजह से कुछ नफरत नहीं। खान साहब आपसे मिलकर के बड़ा अच्छा लगा, मैं तो कहता हूँ अल्लाह ताला सबको अच्छा रखे, सब खाते पीते रहे, सब अमन चैन बना रहे, मेरे देश में सबकी तंदुरुस्ती बनी रहे, बीमारी परेशानियों से बचे रहे। योगी मिलेंगे तो क्या कहेंगे उनसे? योगी से मिल लिया, मिल लिए, दुआ सलाम हो गई है। क्या बोले उन्होंने? कुछ नहीं, ऐसी दूर से सर नमस्ते नमस्ते। अगर मोदी से मुलाकात हो तो क्या कहेंगे आप? पीएम हाउस जा सकता हूँ मैं, क्या दिक्कत है? नहीं, मिलेंगे तो क्या कहेंगे उनको? मैं उनका आदर करता हूँ, मेरे देश के नेता है, मेरे राजा है वो। हाँ। भाई हमारे राजा है। हाँ। तो हमारे देश के राजा है, क्या नहीं कर रहे वो, सबके लिए कर रहे हैं। किसी की सोच कैसी है तो मैं क्या करूँ। सबकी अपनी अपनी सोच है ना, सब अपने अपने तरीके से समझ रहे हैं, मैं अपने तरीके से समझ रहा हूँ। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद।